हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज हम ऐसे 3 DIY देखेंगे जो आपके घर को और भी खूबसूरत बना देंगे, और इस वीडियो में हम एक मैजिक टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। वो क्या है वो जानने के लिए एंड तक हमारा वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलते हैं हमारे पहले क्राफ्ट की तरफ। मैं यहाँ पे मंडला लिपन आर्ट बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने MDF बोर्ड का इस्तेमाल किया है जो कि मेरे पास पहले से ही पड़ा था। हम पहले व्हाइट एक्रेलिक से उसे पेंट कर देंगे। पेंट सूखने के बाद उसके ऊपर हम मंडला आर्ट की गाइडलाइंस ड्रॉ कर देंगे। गाइडलाइन वीडियो के लिए आप ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको वहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगा। उस पर मैंने एक डिज़ाइन पैटर्न बना लिया है। उसके गाइडलाइंस इरेज करके हम उसको कलरिंग करना शुरू कर देंगे। कलरिंग के लिए मैंने एक्रेलिक पेंट यूज़ किए हैं। अलग अलग कलर में इस्तेमाल करने वाली हूँ। आप चाहे तो उसे 2 कलर में भी बना सकते हो। बॉर्डर के लिए मैंने व्हाइट कलर यूज़ किया है। अगर चाहिए तो आप यहाँ पे 3D आउटलाइनर का इस्तेमाल कर सकते हो। होममेड आउटलाइनर बनाने की वीडियो के लिए आप इस आई बटन पे क्लिक कीजिए। ब्लैक कलर के मार्कर के साथ उसे हम डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा मिरर वर्क करके इसको डेकोरेट करेंगे एंड इट्स रेडी। चलते हैं हमारे सेकंड DIY की तरफ। यहाँ पे हम हैंगिंग ग्लास पेंटिंग करने वाले हैं। उसको हम चारों तरफ से होल बनाएंगे। एक्रेलिक शीट का कवर रिमूव करके हम 3D आउटलाइनर से उसके ऊपर डिज़ाइन करना शुरू कर देंगे। उसमें हम अब ग्लास कलर फिल कर देंगे। ग्लास कलर भरते वक्त उसमें थोड़े से बबल आ जाते हैं, उसको आप ड्राई ब्रश से रिमूव कर सकते हैं। ग्लास कलर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। लास्ट में मैंने अल्कोहल इंक का इस्तेमाल किया है। उसका इफेक्ट थोड़ा सा वाटर कलर जैसा आता है। यहाँ पे मेरे पास थोड़े से बीड्स है, उसको हम डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये है हमारा मैजिक टूल। इस बिग आई नीडल में आप कोई भी साइज का धागा आराम से पिरो सकते हो। आप इसे इस्तेमाल करके देखिए आपका काम बेहद ही आसान हो जाएगा। तो चलिए हम फटाफट मालाएं बना लेते हैं। मैं 3 भी मालाएं एक जैसे बना रही हूँ। आप चाहे तो उसे रैंडमली भी बना सकते हैं। हम उसे अब अटैच कर देंगे ग्लास पेंटिंग के साथ। यहाँ पे मैंने एक दूसरी ग्लास पेंटिंग बनाई है, उसे भी हम बीड्स के साथ डेकोरेट करेंगे। ये हमारा हैंगिंग DIY बनके रेडी है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बढ़ते हैं हमारे तीसरे DIY की तरफ।
यहाँ पे मैंने एक कैनवस लिया है जो कि काफ़ी ख़राब हो चुका है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम करेंगे। इस पे हम पॉर आर्ट बनाने वाले हैं। इसके लिए पहले से आप कुछ बिछा लीजिए ताकि आपका सरफेस गंदा ना हो। कैनवस को हमने बेस कलर करके रखा है। पोरिंग मीडियम के साथ हम कलर को मिक्स करके रखेंगे। एक एक करके हम सारे कलर उस पर डाल देंगे और उसे चारों तरफ से फैला देंगे। अगर आपको और भी पोरिंग इफेक्ट देखना है तो इस आई बटन पर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर हम ब्लैक मार्कर से डिजाइन बना देंगे। मेरे पास ग्रीन कलर की लेस पड़ी थी तो मैं उसे अटैच करके उसको डेकोरेट कर दूंगी। इसमें से आपको कौन सा DIY ज़्यादा पसंद आया वो हमको कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।